दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद सरदार अरविंदर सिंह लवली जी से मैं कहूंगा कि दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम मुबारकबाद की पात्र है जिस प्रकार से आपने इस कामयाब आयोजन ये किया है, और मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों साथियों, आज देश में एक नया इतिहास बनाने का दिन, आज देश में एक नए संघर्ष का ऐलान करने का दिन, आज देश में एक नया बिगुल बजाने का दिन है। क्योंकि बात यह नहीं कि 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, बात यह है कि देश की संसद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद का गठन कर दिया। अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नहीं, अगर देश की संसद में विपक्ष की जगह नहीं, अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाजत नहीं, अगर देश की संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह नहीं, अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साथियों, उसने देश की संसद के पर एक हमला बोल रखा है। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद सही होगा, देश के संविधान पर देश की सरकार ने हमला बोला है, देश के संविधान का गला घोटा जा रहा है। आज भारत का प्रजातंत्र खतरे में है, आज संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचला जा रहा है, बोलने की आजादी को रोंदा जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथी चुप नहीं रहेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के लिए लड़ेंगे, संसद के लिए लड़ेंगे, संसदीय मर्यादाओं के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे। देश की संसद पर हमला हो जाए, देश की संसद के अंदर लोग घुस जाएं, वो तो नौजवान थे जिन्होंने एक रंग का बम चलाया। हम ये बात कर रहे थे कि अगर ये अंतरिक्ष गैस होती या कुछ और होता तो आज भारतवर्ष की क्या हालत होती। और राहुल गांधी जी ने सही कहा, महंगाई और बेरोजगारी का आलम जब तक इस देश में रहेगा, कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती रहेगी। आज इंडिया अलायंस के सारे साथी इकट्ठे हुए, ये एक सुखद संदेश है 140 करोड़ भारतीयों के लिए, पर यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, ये लड़ाई इंडिया अलायंस की पार्टियों की नहीं, ये लड़ाई इस देश के मुद्दों पर है। यह लड़ाई इस देश में फैली 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी के खिलाफ है। यह लड़ाई हर उस महिला के लिए है जिसके घर का बजट बिगड़ गया मोदी निर्मित भाजपा निर्मित महंगाई के चलते। यह लड़ाई आर्थिक विषमता के खिलाफ है जहां मुट्ठी भर लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है और 82 करोड़ लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यह लड़ाई नफरत का वो माहौल जो इस देश में पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ है। यह लड़ाई इस देश की संपत्ति को चंद उद्योगपतियों को बेचने वाली सरकार के खिलाफ है। यह लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जो टोपी पगड़ी दाढ़ी कपड़ा भाषा उसके आधार पर इस देश को बांटने में लगी। साथियों दोस्तों, अगर इस देश के लोग नहीं जागे, अगर इस अलख जगाने की जो जिम्मेवारी इंडिया अलायंस की पार्टीज ने ली है, अगर ये अलख हमने नहीं जगाई, तो वो दिन दूर नहीं कि वो लोग जो सत्ता की शहतीर पर बैठकर देश के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग जो सत्ता के बहुमत के आधार पर इस देश की मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, वो लोग इस देश में से प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे।
इसलिए ये लोकतंत्र बचाओ भारत बचाओ की लड़ाई, और इस लड़ाई में आए एक एक साथी का, चाहे वो आखिरी पंक्ति में खड़ा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के बैरियर्स के पार खड़ा हो, उसे आने की इजाजत नहीं दी जा रही। और इंडिया अलायंस के सब नेताओं का, सांसदों का, मैं उनका स्वागत भी करता हूं, और देश के 140 करोड़ लोगों का ये आह्वान हम सबके कानों में लगातार गूंजता रहे कि इस देश के अधिकारों के लिए जूझना, भारत के अधिकारों के लिए जूझना, भारत की आवाज बनना, अब ये कर्तव्य आपके कंधों पर है। और ये विश्वास रखिए कि ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम दबेंगे, भारत का तिरंगा लेकर सदैव आगे बढ़ते रहेंगे और 140 करोड़ देशवासियों की आवाज बनेंगे। जय हिंद।